अटाक कले कॉन्फिडेंटली कहले एथर ओडिसा रे बीजेपी सरकार करिवो आ शपथ ग्रहण समारोह रे से निश्चय आसीबे यहा पछरे इक्वेशन भी रखिछंती हिमतंक गणित हला 2019 निर्वाचन रे बीजेपी ओडिसा रे 38% वोट पाइतला मात्र 4% वोट व्यवधान थिला मोदी सरकार विगत 5 वर्ष भितरे जहा काम करिया सुछंती 4% वोट आपा आपा आसी गलाणी बीजेपी ओडिसा रे माहौल प्रस्तुत करी रखिछि लोकसभा रे गत थर बीजेपी को 38% वोट मिलिथिला विधानसभा रे 32% वोट मिलिथिला 38% वोट अर्थात अति कम रे 1 कोटि लोक तेणु जदि 1 कोटि लोक जने व्यक्ति किंबा पार्टी को जदि ब्रांड बोली मारुनाहंती तेबे 2024 रे आउ 30 कि 50 लक्ष वोट आसीबा पई केते समय लागिवो आम दल ओडिसा रे सरकार करिवो एवं शपथ ग्रहण समारोह मते आसीबा पई पडियो बोली मु जानिछि देखु देखु ओडिसा रे बीजेपी सरकार गठन होइ जियो बोली एभली दंभ देखाइछंती बीजेपी रोई फायर ब्रांड नेता अरे क्या बात बोलते हैं हमारा 38% वोट शेयर था अगली बार 4% का ही रास्ता है आप देखते देखते सरकार बन जाएगा कैसे 4% वोट तो मोदी जी ने ये 5 साल जितना काम किया 4% वोट तो ऑटोमेटिक आ ही गया है जो एक तो माहौल बना के रखा हुआ है ना आप खाली वोटिंग परसेंटेज देखिए लोकसभा में हमें लास्ट टाइम 38% वोट मिला था विधानसभा में 32% वोट मिला है तो ये 5 साल में तो मोदी जी इससे तो अच्छा काम कर ही दिया है तो ये तो सुना देखो ये आप मानते हैं तो अगर आप वो है तो हमें क्यों 38% वोट मिलते हैं बीजेपी को 38% वोट क्यों मिलते हैं मतलब यहाँ में जो ब्रेन है उसका निगेटिव ब्रेन भी तो है ना नहीं तो हमें 38% वोट क्यों मिलते हैं 38% वोट का मतलब जानते हैं कम से कम 1 करोड़ लोग अगर 1 करोड़ लोग एक व्यक्ति को एक अनुष्ठान को एक पार्टी को ब्रांड नहीं मानते हैं दैट टू इन 2024 में और 30-50 लाख ऐड होने में कितना समय लगते हैं मेरा तो माने मैं तो जानता हूँ या वोट टेकिंग सेरेमनी होगा आना होगा मुझको केवल हिमंत ओडिसा गस्तर आसीथिबा केंद्र रेल मंत्री भी उभय कांग्रेस और बीजेडी को टारगेट करिसथि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पूर्वतन दुई कांग्रेस मंत्री को समालोचना करिसथि कान्हू लेखा और श्रीकांत जेना ना नहीं सीधा सीधा कहिसथि उभयकर जदि किसी करिवार इच्छा थांता बहुत किछि करि परिथांते किछि लोक अछंति जहार इच्छा शक्ति ओडिसा रा विकास पई जमा रही ओडिसा रा विकास पई केवल प्रधानमंत्री मोदी ही संकल्प नहीं मोदी जहाँ स्वप्न देखती साकार करती अश्विनी वैष्णव एस मगणा चाउल ब्रांडिंग नहीं अश्विनी कहते राज्य नुहे केन्द्र देउछि मगणा चाउल राज्य सरकार को एभली ढंग से टार्गेट कर से कहते केन्द्र मुंड पिछा 5 केजी चाउल पठाऊ किसी लोक राज्य मगणा चाउल देउथबार भ्रम सृष्टि करेणु भ्रांत धारणार वशवर्ती नहेबाकु परामर्श देइछंती रेलमंत्री ओ भाई कान्हू बाबू जदि करिवार तांकर इच्छा थांता से कोन करि न थांते कि श्रीकांत भाई तांकर जदि प्रकृति रे करिवार इच्छा शक्ति थांता से कोन करि न थांते कि बहुत लोक एमिति अछंति जहांकर इच्छा शक्ति ओडिसा रो विकास पाई जम्मा नहीं ओडिसा रे विकास पाई ओडिसा को गोटे विकसित राज्य करबा पाई ओडिसा रु प्रत्येक 4.5 कोटी ओडियां को जीवन रे गोटे नुआ नूतन ऊर्जा संचार करबा पाई केवल जड़े संकल्प नहीं छंती से होछंती भारत रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपन को 5 केजी व्यक्ति पीछा मैंने परिवार रे यदि 5 जन थे 25 केजी मगणा चावल के पठाऊ मोदी जी पठाऊ कौन सी भूल कथार जिबे नहीं कौन सी भ्रम कथार जिबे नहीं नुआ जुगटा आरंभ है जुगरे मोदी जी जो काम को हाथ रे नियंती सही काम को से निश्चित भावे
पूरण करती हूँ भावना। सेपटे बीजेडी कहिछि निर्वाचन आसिले केन्द्रर अनेक नेता आसिबे निज कथा कहिबे हेले स्थिर सरकार केवल नवीन पट्टनायक ही दे आसुछन्ती तांकर विकल्प ओडिसा रे नाही बोली कहिछन्ती बीजेडी सांसद मुना खा। तेबे राजनैतिक समीक्षक किंतु कहिछन्ती अन्य राज्यर विकास कथा थरे ओडिसा परखि देउ आमर ओडिशा रे तो ये खाली ट्रांसफॉर्मेशन विकास विकास कथा बहुत कथा कहते सत्या यही केवल विकास होती विकास होना किंतु हिमंत विश्व शर्मा आज प्रमाण कर गोटे देखेदे ट्रांसफॉर्मेशन कौन जदि भुवनेश्वर एयरपोर्ट ठारू त्रिपुरा एयरपोर्ट तीन गुणा बड़ बोली से कहते ट्रांसफॉर्मेशन कौन आमर जो मैंने कहते से भाषण टी शुणा कथा नौ वर्ष केमती ट्रांसफर्म हो जापे नॉर्थ ईस्ट जहाँ लास्ट माइल बोली कहुला तार जो ट्रांसफॉर्मेशन ये गोटे भल पाइली हिमंत विश्व शर्मा एकदम एब्सोल्युटली एनकरेजिंग आ गए होप दौची जे यस ये देश बदल गया है। केंद्र मंत्री दल प्रचार से करेंगे तांकर योजना कूटी कौन आनी योजना विषय कहे कहार कौन मना ना कि मान एवं से लोकों पाखे पहुंचतु से कौन योजना करोखे योजना कमी पहुंच से कहतु कहार किसी मना ना कि आम योजना ओडिशा सरकार योजना नवीन पट्टनायक जो योजना जो लोकों पाखे पहुंच पार्टी कि ना आम से देखु लोकों पाखे से पहुंच पार्टी लोक अनुभव कर सारी ओडिशा को जदि शांति श्रृंखला भाव में को सरकार जो नौ हूँ स्थिर सरकार नवीन पट्टनायक सरकार आगामी थर भी दु तीन मस पर देखिए पुणी आम विजु जनता दल सरकार ओडिशा रे गठन हो नवीन बाबू स्थिर सरकार देवे लोकर सुशासन देवे सब बड़ा दिनक दिन ओडिशा एक भिन्न राजनैतिक महान सृष्टि बीजेपी केन्द्रीय नेतृत्व सीधा आसी डेरा पकाउछन्ती साधारण सभासह कर्मी को टिप्स देउछन्ती सेपटे बीजेडी और कांग्रेस भी निज रणनीति काम करउछन्ती। ब्युरो रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।